शहर में अपराधी गतिविधियों में उछाल आया है। कलमना परिसर के डिप्टी सिग्नल परिसर में युवकों की गैंग ने परिसर के युवक को पूरी तरह मारने का मामला सामने आया है। घटना रविवार की रात की है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 8 से 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों में 4 नाबालिग का भी समावेश है। कलमना परिसर में बैनर फाड़ने के विवाद को लेकर 8 से 9 युवकों ने उमेश शाहू नाम के युवक के साथ मारपीट की। यह घटना रविवार आधी रात की है। जानकारी मिली है कि सभी आरोपी बैंचो पार्टी चलाते हैं। घटना के दिन सभी आरोपी काम पर थे, तभी उन्हें पता चला कि उनके ग्रुप के ही नितलेश नाम के युवक के बर्थडे का बैनर परिसर के ही एक युवक ने फाड़ डाला है, जिसके पास सभी युवक भड़क गए और सभी ने गैंग बनाकर युवक के घर पर धावा बोला। युवक को घर से बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करी है। आरोपियों में नितलेश, ऋतिक शाहू, अजय यादव सहित अन्य 4 नाबालिग आरोपियों का समावेश है। परसों देर रात 3-3:30 के दरमियान हमें पता चला कि नितलेश नाम के लड़के का बर्थडे था और बर्थडे के घर उन्होंने पोस्टर लगाया था। पोस्टर किसी ने फाड़ दिया, ये रात मन में पकड़ते हुए उन्होंने जिसने पोस्टर फाड़ा था उसको हाथ बुक्के से सभी दोस्तों ने मिलकर मारा था। हमने सभी आरोपियों को डिटेन कर लिया किया है, सभी के खिलाफ आरोप रजिस्टर किया है और आगे की इंक्वायरी शुरू है। सभी आरोपियों के खिलाफ अगर कोई रिकॉर्ड है तो हम चेक कर रहे हैं और सभी बैंजो पार्टी में काम करते हैं। उस देर रात बैंजो पार्टी कहाँ से वो काम करके लौट रहे थे, उस दौरान उन्होंने ही देखा कि हमारा एक बर्थडे का पोस्टर किसी ने फाड़ा है। ये जानकारी उनको मिली और उस वजह से उन्होंने हाथापाई की है इस चीज़ में। और ऐसी दहशत और गुंडागर्दी कलमना पुलिस आगे से आह्वान करती है कि जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी आरोपी अपनी हिरासत में हैं और सभी की इंक्वायरी चालू है। घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।